अस्सलाम वालेकुम जी, पंजाब पीके की टीम वालों खुश आमदीद। और तुसी साडे पिछे देख सकते हो कि सेम नाली का काम बहुत तेजी नाल जारी है। इस टाइम दूसरी पुली जी सेम नाली के उपर वो बन रही है। पहली पुली जी मुकम्मल हो चुकी है और दूसरी पुली के उत्ते काम जारी है। छत पै गई है, साइडां बन चुकी ने और उम्मीद है कि यह भी काम जरा दूसरी पुली का जल्द अज जल्द मुकम्मल हो जाएगा। इस तो बाद तीसरी पुली बननी है और आखिरी पुली होएगी। उस तो बाद खुदाई का अमल जरा वो शुरू हो जाएगा। काफ़ी हद तक सेम नाली जी खुदाई हो चुकी है, कुछ रही है, लोगों ने फसल बीजिया ने, कणक की फसल बीजी है। कुछ लोग जड़े ने उन्होंने पैसे मिल चुके हैं, कुछ लोग जड़े ने उन्होंने पैसे हाले मिलने रेंदे ने। नाले थोड़ा जहा टाइम दिता गौरमेंट ने ता कि लोग अपनी जी फसल है कणक की फसल वो कटाई कर लैन। तो इंशाल्लाह फिर उस तो बाद खुदाई भी हो जाएगी, पुलियाँ भी मुकम्मल उदों तक हो जाएगियाँ और सेम नाली का काम जरा ना मुकम्मल हो जाएगा। बहुत जरूरी सी ये इलाके वास्ते क्योंकि पानी जरा ना वो हर साल आ जाता सी और बड़ा नुकसान करता सी फसलों का, जमीना का, जमीना खराब हो जाएगा सर। लेकिन हूँ इंशाल्लाह जरा पुलियां का काम मुकम्मल हो जाएगा, सेम नाली मुकम्मल हो जाएगी, पानी जरा आया करेगा वह सेम नाली का नहीं अगली जी वी सेम नाली उत्थे चला जाया करेगा और फसलों जड़िया ने तबाह नहीं होनगियाँ और ना ही सेम ज़्यादा हो। यही कहा जा रहा है कि लोग जड़े ने वो मन गए ने, उन्होंने पैसे लै लेने और कुछ जड़े लोग ने उन्होंने पैसे लै लेने ने बहुत जल्द। तो उन्होंने रजामंदी ही सानू जी इतलात मिली ने कि उन्होंने रजामंदी के नाल ही जरा पुड़िया का काम शुरू होया और सेम नाली का दोबारा खुदाई का काम शुरू होया। यह जी तुम वेख सकते हो कि सेम नाली की दूसरी पुली के उपर जरा काम बड़ी तेजी के नाल जारी है और मजदूर जड़े ने वो लगे ने, रात को भी वो इत्थे ही हुंदे ने मौजूद। तीन तो चार लोग पिछे उन्होंने टेंट लाया, खाना वगैरह जरा ना वो इत्थे ही बनाते ने। और यही कहा जा रहा है कि जी लोगों की रजामंदी के नाल कुछ लोगों ने पैसे लै लेने, कुछ दे लैन वाले रहिंदे ने और उस अलावा कणक की फसल है, कणक की फसल भी कटी जाएगी। फिर खुदाई का अमल जरा एक साइड पर जारी है, दूसरी साइड पर फिर शुरू किया जाएगा। और ये जी सेम नाली है ये सैफल तो लैके तो जी वी सेम नाली है वो तक ये जाएगी और जिन्ना भी पानी सैलाब का आता है हर साल इस सेम नाली के जरिए वी सेम दे चला जाया करेगा। जमीन सेम ज़्यादा होने तो बचनगियाँ, लोगों का जो नुकसान हों बचेगा और इलाके के लोगों वास्ते बहुत अच्छी गल है, बड़ी खुशी की गल है कि ये सेम नाली बन रही है। बहुत देर का यह मनसूबा पेंडिंग पिया सी और लोग जड़े ने उन्हां दी बड़ी फरमाइश सी कि इस इलाके च सेम नाली बने और आखिरकार जड़ा ना वो हुकूमत ने फैसला किया कि सेम नाली इस इलाके च बनाई जाए। लोग जड़ा वो रजामंद हो गए ने और उन्हां दी रजामंदी दे नाल ही ये सारा काम दोबारा शुरू होया। पहले यही कहा जा रहा सी कि स्टे आर्डर आंदा है लोगों ने, लेकिन हुण दोबारा पंजाब पीके की टीम के कोल जड़ियाँ इतलात आई ने उसके मुताबिक यही कहा जा रहा है कि लोगों ने पैसे लै लेने, कुछ लोग जड़े ने पैसे लै रहे हैं। उस तो बाद जिन्हें लोगों ने कणक की फसल बीजी है वह भी जो कटी जाएगी तो फिर उस तो बाद इस साइड पर भी अमल दोबारा खुदाई का शुरू हो जाएगा। यह मछली फार्म है, मछली फार्म के नाल नाल जड़ा ना सेम नाली जा रही है और मोटरवे वाली साइड से सांगला हिल इंटरचेंज के नाल उस तो पहले जरा सेम नाली वड्डी सेम नाली गुजरती है उहदे विच इह सेम नाली का पानी जरा ना जाके गिरेगा। इस साइड पर जरा ना पिंड पंडोरिया है, पंडोरिया चक है और सांगला हिल रोड जरा ना गुजरता और इस साइड पर सांगला हिल इंटरचेंज है, M3 पिंडी पट्टियाँ मोटरवे वे फैसलाबाद पिंडी पट्टियाँ और इस साइड पर जरा ना अहलियाली पिंड है। Thank you.
लो जी ये पंजाब पीके की टीम को इजाजत दो अज वास्ते इन्ना ही बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़।